दोस्तों, ये है हमारा चाइनीज एल्म जिसे आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमने बहुत ही खूबसूरत एक ओवल पॉट चूज किया है। दोस्तों, ये है हमारा चाइनीज एल्म जिसे आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमने बहुत ही खूबसूरत एक ओवल पॉट चूज किया है। सिरेमिक का बॉन्साई पॉट है ये, जिसे हमने प्रिपेयर कर लिया है। इसके दो होल्स हैं जिसमें हमने प्लास्टिक वायर मैश रखी है और साथ ही साथ दो वायर रखे हैं कॉपर के, जिससे हम प्लांट को इसके अंदर टाई करेंगे। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम ड्रेनेज के लिए प्लास्टिक मैश को बिछाते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रिट और ब्रिक्स पीसेस डालते हैं। हमारा ये जो एल्म है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो हम इसकी प्रूनिंग भी करेंगे। अभी ये शेप में नहीं है, तो इसकी प्रूनिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, साथ ही साथ एल्म की केयर के बारे में भी आपसे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम प्लांट को पॉट से निकाल देते हैं। पॉट के साइड से जो मिट्टी है, उसे आप किसी टूल की सहायता से या किसी शार्प नाइफ से या फिर आप हैक्सो से लूज कर दें, ताकि प्लांट आसानी से बाहर आ जाए। दोस्तों, इस तरीके से हमने प्लांट को पूरा बाहर निकाल लिया है। ये प्लांट की रूट बॉल है, इसे हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं और थोड़ा थोड़ा सा 20-30% तक स्क्रैच करेंगे, ताकि ये जो रूट्स हैं इनकी ट्रिमिंग की जा सके, इनकी प्रूनिंग की जा सके। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हम रूट को प्रून करेंगे और जो इसका जो बॉल है उसे हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। ये जो रूट्स होती है, इन्हें हमें प्रून कर देना चाहिए, ताकि रूट्स मल्टीप्लाई हो। तो प्लांट हमारा बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, आवर प्लांट इज रेडी टू रिपोर्ट। इस तरीके से रूट बॉल को सॉइल के ऊपर रख के धीरे धीरे से आप प्रेस करें। उसके बाद हम सॉइल को चारों तरफ से चॉप स्टिक या किसी टूल की सहायता से प्रेस करके अच्छी तरीके से दबाएंगे, ताकि कोई एयर पॉकेट न रहे इसके अंदर।
दोस्तों हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी जो रूट बॉल है इसे मॉस से कवर करेंगे ताकि अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे और रूट्स का किसी तरह का डैमेज हुआ है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाए। पानी इतना देना चाहिए कि नीचे से पानी निकलने लगे पॉट के और रूट्स पूरी तरीके से वाटर को एब्जॉर्व करें। दोस्तों हम चाहें तो अभी इसकी लीव्स और ब्रांच की प्रूनिंग कर सकते हैं। जब भी आप रूट्स को काटें या प्रूनिंग करें तो ज़रूर आप कुछ पत्तियों को कम कर दें ताकि प्लांट को स्ट्रेस कम हो।